हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी लास्ट मिनट एप्टीट्यूड सीरीज लेके आया हूँ। मैंने देखा है कि एप्टीट्यूड कवर नहीं हुआ है आपका इतना अच्छे से, तो मैंने सारे टॉपिक कवर करने के लिए एक छोटी सी सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आपको 10 से 15 वीडियोस इसमें रहेंगे। उसमें जीके का भी कुछ पार्ट रहेगा और एप्टीट्यूड के सारे वीडियो रहेंगे, जो मैं आपको कल सारे के सारे वीडियो अपलोड करूँगा। आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा मेरी प्लेलिस्ट की लिंक। उसमें सारे के सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे, 15-16 जो भी वीडियो रहेंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मैं ये एक ही दिन में 3-4 आवर्स में सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक आवर्स के वीडियो डालूँ, इतना मैं डाल भी नहीं पाऊँगा। और एक 10-12 15 मिनट से वीडियो रहेंगे, तो वो देख लेना, आपके सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर इमेज, मिरर इमेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली मिरर इमेज का एक बेसिक फंडा है, तो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये फिगर एज इट इज़ रहने दो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मिरर इमेज निकालना है, इसका मतलब एक सिंपल सा फंडा यूज़ करना होता है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे राइट ले रहा हूँ, तो मिरर में यहाँ पे राइट दिखता है और यहाँ पे लेफ्ट दिखता है, ठीक है? इस तरीके से आपको मिरर इमेज दिखनी चाहिए। मतलब राइट में अगर मूव करके एरो है, तो ये राइट में ही मूव करके होगा। कुछ कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं वो एक मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता, हमेशा ये वाला फॉलो होता है, ठीक है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप ये सब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे, तो एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ फिगर को, एक एक 10 सेकंड ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अलग है फिगर्स में ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अलग है, तो पहले इससे काट दो। दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करने जैसी क्या है, इसको ऑब्जर्व कर लो, ये पार्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है? इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे देखो ये पार्ट अलग आ गया, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो ऑप्शन दो तो मेरे इजीली निकल गए। अब बचा एक लास्ट वाला ऑप्शन, उसको देखते हैं कि हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, तो मेरा ये ऑप्शन ऑलरेडी कट हो चुका है, ये ऑप्शन ऑलरेडी कट हो चुका है, ये ऑप्शन ऑलरेडी मेरा कट हो चुका है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन हम किस तरीके से कट कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन अगर हमें कट करना है, तो हमें इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी ये सही होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि बड़ा दिया है, थोड़ा सा ये मोटा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो टुकड़ा टुकड़ा होता है, उसमें टुकड़े टुकड़े से सॉल्व किया जाता है। देखो ये पार्ट पहले ऑब्जर्व कर लो, ये पार्ट कहाँ कहाँ सेम टू सेम है मिरर में, तो ये सारा का सारा ये देखो लेफ्ट में है, तो ये राइट में आना चाहिए, ये भी लेफ्ट में आना चाहिए मिरर इमेज के, तो लेफ्ट तो इस साइड होगी, तो ये देखो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा कट हो गया। इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शन एक एक एलिमिनेट कर सकते हो, इसी तरीके से हम बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर मेरा सी कट हो गया है। इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं ये पार्ट, इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं ये पार्ट, ये पार्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया, मेरा ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब ए और डी में से एक ऑप्शन कट करना होगा। अब ए और डी को अगर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब ए पार्ट भी नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके सा है कि इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है, तो मिरर इमेज देखने के लिए फिर से मैं एक टुकड़े टुकड़े से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे टुकड़ा क्या देखेंगे, जो सबसे अलग दिखता है, एक बार फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में वो सबसे अलग दिखता है वो, लाइक पहले मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, ये जो दिया है इसको मैं पहले ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है? अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एरो है, तो हमें लाइन देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? ये दो ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पे भी ये गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखो लाइन लाइन जो गई है, लाइन क्रॉस में गई है, यहाँ पे भी लाइन क्रॉस में गई है, पर यहाँ पे अलग है थोड़ा सा,
सिमिलरली यहाँ पे तो वो ट्रायंगल ही कट दिया है, ट्रायंगल ही नहीं दिया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है पर ये पार्ट एक्स्ट्रा दिया है, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी थोड़ा सा मेरा इमेज थोड़ी ख़राब आ गई, तो ये प्रॉब्लम के लिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम ये पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। ये पार्ट अगर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा क्लियर हो जाएगा एक ही झटके में। लाइक ये गलत है दिया हुआ तो ये नहीं आने वाला, यहाँ पे भी सेम गलती है तो ये भी नहीं आने वाला। अब दोनों में तो सही दिख रहा है, ये दोनों में तो सही दिख रहा है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कहाँ गड़बड़ किया है इसने। तो सेकंड पार्ट हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पार्ट उसने गलत दिया है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर ऑब्जर्व करना है तो कहाँ कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस पार्ट से, इस पार्ट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ये पार्ट कहाँ कहाँ दिया नहीं है या ख़राब दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए था वो, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा हट गया है। अब ज़रा निचला वाला पार्ट ऑब्जर्व कर लो, ये साइड ऑब्जर्व कर लो, ये साइड इसमें बी में भी गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, हम ज़रा ये ब्लू पिंक वाला पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, तो पिंक वाला पार्ट इसमें करेक्ट दिया है पर इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। देखो मैं 10-20 सेकंड में सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चंस, आपको भी उसी तरीके से करने हैं, अगर आप कर पाए तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी सेम तरीका मैं अप्लाई करूँगा, मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा और इसको ऑब्जर्व करूँगा। अगर मैं ये वाले पार्ट ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए गलती है, बाकी सारों में ये करेक्ट दिया है। अब देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ तो देखो बी पार्ट में यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब ज़रा नेक्स्ट पार्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहेंगे तो सी और डी में क्या गलती है। तो देखो यहाँ पे ये छोटा ये प्रॉपर दिया है, तो मुझे सी में ये प्रॉपर दिख रहा है ना कि डी में, तो मेरे ख्याल से डी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत दिया है, तो मैं डी कट करना चाहूँगा और मैं सी रखना चाहूँगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही रहना चाहिए। अब ज़रा इसको देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ये काफ़ी बेहतरीन प्रॉब्लम माना जाता है, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको लाइन काउंट करनी चाहिए, उसके सामने कितनी लेवल है ये आपने देखनी चाहिए। अब इसको इजी वन वन लाइन में या फिर 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये देखो लास्ट जो लाइन दी, थोड़ा पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ फिगर हमेशा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन के लेवल चेक कर लो। इस केस में लाइन छोटी दी है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ये ऊपर दे दी है तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, और ये भी टी भी ऊपर दे दिया है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। विद इन 5-10 सेकंड आप निकाल सकते हो इनके आंसर, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर है तो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये सर्कल 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 प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको भी विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो जो ऑप्शन में दिख रहा है ये अंदर में पूरा सर्कल है, ये जो अंदर में दिया है ये सर्कल कट हुआ सर्कल है, तो जहाँ पे भी सर्कल नहीं है पहले वो दो ऑप्शन काट दो, ये इसमें सर्कल नहीं है, यहाँ पे भी इलिप्स दिया है तो ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन से मैंने दो सर्कल में से दो कट किए हैं। अब देखो अब यहाँ पे कोई दूसरा भी एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कि इतने से तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो हमें कुछ और भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे ऑब्जर्व। तो ज़रा ये पार्ट ऑब्जर्व कर ले, ये पार्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये पार्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है, ये राइट साइड है, तो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हमारा राइट साइड में आना चाहिए ये पार्ट, तो ये पार्ट तो राइट साइड में दिख नहीं रहा ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सर्कल है, तो एक्स्ट्रा सर्कल तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, सॉरी ये भी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, कि करना क्या है इसमें, ऑब्जर्वेशन क्या रखेंगे इसमें। अगर ऑब्जर्व करना है तो सिंपल ये लाइन ऑब्जर्व कर लो,
या फिर ये लाइन किस लाइन पे आई है। तो ये जो कॉर्नर आया है वो सेकंड नंबर के लाइन पे आया है, तो सेकंड नंबर पे लाइन पे जहाँ पे भी आया है वो आपका सही जवाब रहेगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे गलत आंसर्स रहेंगे। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हमें कहाँ देखनी है, तो लेफ्ट अगर मार्क यहाँ करे राइट करे, लेफ्ट यहाँ करे राइट यहाँ करे, एक मिनट, लेफ्ट राइट मिरर राइट और लेफ्ट। ठीक है, अगर ऐसा देखें तो राइट से सेकंड लाइन में हमें देखना है, तो राइट से सेकंड लाइन हमें देखनी है, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलता है ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन नंबर सी तो कट बी कट हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड लाइन पे है और ये भी सेकंड लाइन पे नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक लाइन मिसिंग है तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे थर्ड लाइन पे दिया है तो ये ऑप्शन नंबर ये भी हट जाएगा। अब बचा बस ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो सिंपल लाइन 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 वर्क दिया है, तो मेरे ख्याल से इस ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा घर पे ट्राई करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप ट्राई करो। मैं ऑप्शन आंसर्स कर देता हूँ क्लियर, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा। इसमें अगर आप सी और ए में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, ए और सी में से आपको इसका आंसर चूज़ करना पड़ेगा क्या आएगा आंसर। ठीक है, ए और सी में से आप इसको आसानी से चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जो पार्ट दिया है ये एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, ऐसी कोई लाइन दी नहीं है हमारे क्वेश्चन फिगर में, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से राइट रहना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी अगेन लाइन वर्क है, इसका आप ट्राई करो होमवर्क में और हो सके तो कमेंट करो, अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, नहीं किया तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखते हैं, ये भी 1 1 2 सेकंड का प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, बस सर्कल ऑब्जर्व करते जाओ, जो भी सर्कल्स दिए हैं उनको ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, इस सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पूरा सर्कल एक ही फिगर में मिलता है और इस फिगर में हमें मिलता है, तो दो फिगर में मिल रहा है। ठीक है, बाकी इसमें आधा कटा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, इसमें तो सर्कल ही दिया नहीं तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हो जाता है हमारा काम, तो देखो यहाँ पे ये क्वार्टर सर्कल दिया है और यहाँ पे सर्कल कट हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, ये दो ऑलरेडी कट कर चुके थे तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम आपको होमवर्क है, ये भी आप एज होमवर्क लिख सकते हो, आपके पास 1 2 दिन है सॉल्व करने के लिए, इसको ट्राई करो सॉल्व करो, विद इन सेकंड आंसर आ जाएंगे। अगर आपने ऑब्जर्वेशन सीख लिया है कैसे करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको क्या ऑब्जर्व करना है मैं बता देता हूँ अभी, इसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप बस मिडल वाले पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे आंसर दे देगा, बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए क्योंकि मैं बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस जो मिडल वाला पार्ट है इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ऑब्जर्व क्या करना है, बस ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको ऑब्जर्व करना किया जा जाना है। अब देखो इसको इससे मैं ऑप्शन कैसे कट कर रहा हूँ, इस पार्ट में तो हमें दिया ही नहीं है, लाइन ही नहीं दी है, लाइन वर्क ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी में डबल दे दिया है तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं आएगा, और ये साइड और ये साइड सेम टू सेम है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इतना फास्ट ये काम हो सकता है। ये देखो यहाँ पे सर्कल सर्कल ऑब्जर्व करने हैं, ये आप कर सकते हो, सर्कल सर्कल ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो इसको, यहाँ पे सारे पूरे सर्कल है, जहाँ पे भी सर्कल कटा हुआ होगा वो आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, सेंटर का ऑप्शन कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कटा हुआ सर्कल है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे भी कटा हुआ सर्कल है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, और सी में भी कटा हुआ सर्कल है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे मैं एक दो प्रॉब्लम और दिखा देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, तो इसमें अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, तो इसको हम ऑब्जर्व करके ये समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर
मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब मैं एलिमिनेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, ना कि ये सारे के सारे गलत है। क्यों गलत है आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बस ये पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल वाला पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिगर्स में नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि ये देखो लेफ्ट राइट, तो ये जो एरो आएगा ये राइट में आना चाहिए, कहीं पे भी यहाँ पे राइट में एरो नहीं दिया गया है। एक्चुअली ए में दिया गया है, पर यहाँ पे डार्क डॉट दिया है, इसके लिए मैंने उसको भी कट कर लिया था, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, तो ये सारे कट हो रहे थे, ऑप्शन नंबर डी हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ये आप घर पे ट्राई करोगे और देखोगे क्या है आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।